ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب لا يسر ولا تعسر وتمم الخير احبابي الكرام بزرگانِ دین جوانان اسلام نوجوانان قوم و ملت خواتین ملت اسلامیہ اللہ رب الجلال والاکرام کے فضل و کرم اس کی عنایت و نوازش سے ہم انتہائی اہم ایام سے گزر رہے ہیں ان ایام سے گزر رہے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اپنے بندوں کے لیے اپنے مومنین کے لیے صالحین بندوں کے لیے عابدین بندوں کے لیے زاہدین کے لیے بہت زیادہ پہنچاتی ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں انسان کے اعمال اور اس کے اخلاق و کردار کے حساب سے محبتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ کرنے کا کرانے کا ایک موسم اور ایک موقع ہوتا ہے ہر وقت محبت عروج و شباب ہو رہی ہے جس طریقے سے انسانوں کے آپسی محبت خاص خاص موقعوں پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور پھر اس غربت کا اثر دیر تک رہتا ہے اسی طریقے سے رب تعالی حق جل شانہ بھی خاص خاص مواقع پر اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور بندوں کو ایک موقع عنایت کرتا ہے کہ اپنی محبت میں کوئی اضافہ کرتا ہے اور جب محبت شباب پر آ جائے اور وہ موقع وہ گھڑی گزر جائے تو اس کے بعد بھی دیر تک اس پر رحمت و شفقت اور محبت بنی رہے انہی مواقع میں سے ایک موقع عشر ذی الحجہ ہے گزشتہ خطبے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس سے قربت کے تعلق سے چند باتیں سنی تھی کہ محبت قربانیوں کو پسند کرتی اور محبت قربانیاں چاہتی ہے محبت قربانیاں چاہتی ہے اور جب تک انسان قربانی نہ پیش کرے خواہ وہ کسی طرح کی قربانی ہو محبت کی روح کو پا نہیں سکتا جب تک انسانوں کے جو آپسی محبت کا تعلق ہے
आप अच्छी तरह से जानते हैं वहां दो अहम चीजों की कुर्बानी अवश्य देना है, जरूरी देना है, बहुत अहम। एक तो वक्त की कुर्बानी, दूसरा माल की कुर्बानी। खाली जान करके किसी से जितनी जल्दी बातें कर देंगे तो मोहब्बत देर तक बरकरार नहीं है। थोड़ी देर तक आप गुल खिला सकते हैं मगर चलते चलाते सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये खाली इच्छा जबानी है, मोहब्बत वगैरह इसके दिल में कुछ भी नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो किसी न किसी तरह ऐसे कुर्बानियां पेश करता, भेंट देता। तो चंद ही साल या चंद ही घड़ियों में उसे मालूम हो जाएगा कि इसके यहाँ मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है, ये किसी और मकसद के तहत आ रहा है और बातचीत कर रहा है, फुसला रहा है, पहला रहा है। खाली आप वक्त दे दिए, जितनी चपड़ी बातें कर ली। अब अगर उस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए उसमें इजाफा करने की हम कोशिश न करेंगे तो हमें वहां माली कुर्बानी की भी जरूरत पड़ती है। जी, माली कुर्बानी। तब जो है ना, जैसा कि हदीस मुबारका में है, तहादु के हक के लिए तो फिर हदीये दिया करो, तहादु हदिया तोहफा दिया करो ताकि मोहब्बत में इजाफा हो जाए और मोहब्बत बनी रहे, मोहब्बत बनी रहे, मोहब्बत बरकरार रहे। इसलिए हदिया तोहफा दहाय दिया करो, भेंट दिया करो, गिफ्ट दिया करो, है ताकि जब जब गिफ्ट को देखे तो कम से कम जो है वो मोहब्बत जो मान पड़ चुकी थी वो पुरजोश हो जाए, हो अंगड़ाइयां दे रहे। तो दुनियावी एतबार से, आपसी मोहब्बत के एतबार से भी आदमी को कम से कम दो चीजों की कुर्बानी पेश करना पड़ती है, तब मोहब्बत को वो पाता है और मोहब्बत बरकरार रहता है। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए आप जानते अच्छी तरह से कि जिससे मोहब्बत की जाती है ना, जहां वजह जरूरत भी नहीं रहती है तब भी उसकी तारीफें कर रहे हैं, तब भी उसकी तारीफें कर रहे हैं। कोई मौका मल देखता नहीं, बस उसके किरदार के, उसकी अदाओं के और उसके जो है अखलाक के और उसके गुफ्तार के और उसके रहन सहन तमाम चीजों के ऊपर छापर प्रचार करे किए चला जाता है। अब इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं, जहां उस चीज का मौका मल है भी नहीं वहां भी बंदा जो है शुरू हो जाता है, लोग अपने मूड मिजाज में और ये बंदा जो है अपने जो है किस्सा अपनी कहानी और अपने किस्सा में मुब्तला शुरू कर दिया, चाहे सामने वाला बोर हो रहा हो, भुगता जा रहा हो उससे कम। तो मोहब्बत के लिए दो चीजों की कुर्बानी जरूरी है, कम से कम एक वक्त की और एक माल की। उसके बाद जिससे मोहब्बत होती है उसके कसीदे पढ़े जाते हैं, उसके कसीदे पढ़े जाते हैं। तो ये मोहब्बतों वाला महीना है, जिस महीने से, जिस अय्याम से हम गुजर रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बतों वाला महीना है कि इन अय्याम में हम अल्लाह तआला की मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा पाले, अपने माल की कुर्बानी के जरिए, अपने वक्त को सर्व करके और उसके तराने को पढ़ के, उसके कसीदे को पढ़ के उसका जिक्र करके। इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इन अय्याम में जिक्र सिखलाया है और वादे कर दिया कि जहां दीगर नवाफिल इबादतें हैं फराइज के साथ साथ, वहां पर तस्बीहात, तहलीलात और तकबीरात हैं। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है,
कहते हैं कि कुछ आपके सहाबा में से कुछ आपके पास आए होकर उन लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ذهب اهل الدثار ذهب اهل الدثور بالوجود يا رسول الله ये जो मालदार लोग हैं ना ये सब के सब नेकियां लूट ले गए मालदार लोग हैं जाहिर सी बात है माल है तो हज करेगा उमरा करेगा अच्छे से अच्छे जानवर की कुर्बानी करेगा ज्यादा से ज्यादा सदका करेगा खैरात करेगा ज़कात देगा अपने घर को सारा अब हम क्या करें कहा कि मालदारों ने सब लूट लिया घसोट लिया जो है नेकियां पूरे कमा लिए बहुत ज्यादा नेकियां आगे जैसे हम नमाज पढ़ते वैसे ये भी नमाज पढ़ते जैसे हम रोजे रखते ये भी रोजे रखते और उसके अलावा जैसे मैंने कहा हज कर लेते सदका खैरा जकात तमाम लेकिन माल है तो सब कुछ है इसीलिए तो आज सबके मनों का देवता माल बना हुआ है सबके मनों का देवता है महादेवता हो गया माल इसीलिए अल्लाह रसूल कायदा कानून जिक्र अज़कार शरीयत दीन इस्लाम सब छोड़ के माल का पुजारी बनता बन गया अब्दुल दीनार अब्दुल दिरहम बन गया लेकिन सहाबा के बारे में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मालदार लोग सब के सब नेकियां ले गए कमा लिए लूट लिए हम रह गए कैसे लूटे भाई अरे हम जैसे नमाज पढ़ते वैसे ये भी पढ़ रहे हैं बराबर हम रोजे रख रहे वैसे ये भी रोजे रख रहे बराबर और क्या है ताकि इनके पास एक चीज ज्यादा है ताकि ये तो सब दकून अभी फजूली लगवा ये बालों का सदका करके अपनी नेकियों में खूब इजाफा कर रहे हैं मालूम होता है कि सदका बहुत बड़ी नेकी है सदका और बड़ी नेकी है आप अच्छी तरह से जानते हैं सदका कितनी अजीम नेकी है और उसके कितने दुनियावी उखरवी फायदे बेशुमार है जो हम कहे बगाए सुनते हैं और सुनते रहेंगे कहा कि ये तसद्दकून बिफुजूलि अमवाल ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास माल है ये ज्यादा से ज्यादा सदका करके खैरात करके लुटा करके अल्लाह के रास्ते में खर्च करके ये लोग नेकियों को बढ़ा ले हम लोग पीछे हो जा रहे हैं पीछे रह जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना अच्छा ये बात है तो आपने फरमाया काला अलैसा قد جعل الله له ان كل تسبيحه صدقه وتكبيره صدقه وتحليله صدقه امر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه اوكي اچھا یہ لوگ بازی لے جا رہے ہیں اس میں پریشان تاکہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह कहना सुभान अल्लाह कहना सदका नहीं बना दिया तकबीर पढ़ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर क्या ये सदका नहीं बना दिया का तहलील करना ला इलाहा इल्लल्लाह कहना क्या सदका नहीं बना दिया ताकि अब नेकी का हुक्म देना सदका नहीं करा दिया बुराई से रोकना सदका नहीं करार दिया बात खत्म वो लोग जिसके पास माल है लुटा ले अच्छी बात मगर हमारे पास माल है तो हम सवार ले रहे और किसके लिए सवार ले रहे वो आइंदा आने वाली नस्ल के लिए जो कल चल करके नाम बन करके बैठे और दूसरों को टंग मारे है ना
दूसरे मुस्तहकिम को टंग मारे, इसलिए हम जखीरा बना रहे हैं। बनाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनाइए। जब कल चल करके वो नाक बन करके आएगा और डसेगा तो पता चलेगा। तो जब माल है जिसके पास, वो सदका करे, खैरात करे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। सहाबा इकराम में से उस बड़ी जमात की जो मालदार साहिब सरवत थी, उनकी तारीफ बयान की गई, मगर दूसरे लोग जो गरीब गुरबा फकरा मसाकीन थे, जो रोने लगे कि हम नेकियों में पीछे रहे। आज हम किस लिए रोते, अरे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और जो है दर दर की ठोकरे खाते हैं और हाथ फैलाते फिरते, रुसवाइयां मांगते फिरते। उनको ये परेशानी लायक नहीं थी कि घर में खाने की चीज नहीं, उनको तो परेशानी इस बात की थी कि अरे हम सदका नहीं कर पा रहे, खैरात नहीं कर पा रहे, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर पा रहे। इसकी फिक्र थी, उठी सोच में कितना तफावत है, कितना फर्क है, कितना इम्तियाज है सोच में। तो भला अल्लाह तबारक व तआला क्यों नहीं उन लोगों को दुनिया की सबसे अजीम और मुकद्दस जमात में शामिल करना। हमें भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है, हमें भी बाल अपनी जरूरत भर खर्च करो, अपनी जरूरत भर अपनी जात के लिए, अलयाल के लिए खर्च करो। उसके अलावा जरूरत से ज्यादा खर्च करना ये वबाले जान है, ये तबाही है, बर्बादी है, ये रुसवाई है। तो आपने फरमाया जो गरीब है मिस्कीन है, और सारे लोगों के लिए आम भी कर दिया गया। इन महीनों में वो जमाना एक सहाबा था कि जब तकदीरात गूंजती थी, खिजाम आवाज जब इन अय्याम से गुजरते थे, हमें फुर्सत ही नहीं, हमें फुर्सत ही नहीं दूसरी बातें बड़बड़ाने की, दूसरी बातें करने की, हम कब तकबीर पढ़े, तस्वीर पढ़े, तहलील करें। इसीलिए ये अय्याम तकबीर तस्वीर तहलील की, ये तबारक व तआला के इंतहाई चुने हुए अल्फाज और कलमे हैं। ये वक्त इजाजत नहीं देता इस बात की कि इन कलमात की फजीलत बयान की जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला के चुने हुए कलमात है, तकबीर तस्वीर तहलील, अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया है इन कलमात। इनके बहुत सारे फजाइल हैं, चंद बातें हमें कुर्बानी के ताल्लुक से करें। ये तो अय्याम ये आश्रय जिससे हम गुजर रहे हैं, ये इसमें तकबीर तस्बीह तहलील और इसी तरीके से रोजा रखना, नमाज नवाफिल सदका खैरात, ये सारी चीजें। अब भी इस वक्त एक मौजू बहस बना हुआ है, उसकी तरफ मैं जरा इशारा करूं। रोजा रखने के ताल्लुक से, क्योंकि जब भी किस चीज का सीजन और मौसम आता है आदमी बौखला जाता है। अभी कई दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक सवाल गर्दिश कर रहा, दो सवाल। एक तो ये कि अरफा के दिन का रोजा कब रखें, और इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको इतना रोजों से भी ताल्लुक नहीं आता, और जिनको जो है जिनके पास इल्म कुछ भी नहीं, वो परेशान है। काहे परेशान है, इसलिए परेशान है। दूसरा सवाल, शनिचर के दिन, हफ्ते के दिन का रोजा रखें। एक अभी इख्तबास एक फतवा जो है गर्दिश कर रहा था, एक मसला एक बड़े आलिम का, उन्होंने लिखा अहदीस की रोशनी में कि शनिचर को रोजा हफ्ते को नहीं रखना चाहिए। जो एक खास हदीस है उसके पेश नजर वो इल्मी दुनिया में एक अजीम मकाम रखते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, मगर किसी भी आलिम दीन की बात हफ्ते आखिर नहीं। ये दो मसले गर्दिश कर रहे हैं, तो दोनों का सीधे साधे अल्फाज में मैं वक्त की नजाकत को समझते हुए सीधे साधे अल्फाज में रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि अरफे का रोजा, अरफा नौ ज़िलहिज्जा को हुज्जाजे किराम मैदान अरफात में वुकूफ करते हैं, ठहरते हैं, दुआ मुनाजात इबादत करते हैं। तो हाजियों के लिए मैदान अरफात में ठहरना, वकूफ करना, ये हज करार दिया गया है। ये हज क्या है,
अगर कोई अरफा बेवकूफ नहीं करता है, वहां नहीं जाता है, तो उसका हज नहीं होता। अरफा की वजह से चूंकि वो नौ ज़िलहिज्जा को है, इसलिए उस रोजे को मंसूब कर दिया गया अरफा की तरफ के, ये अरफा के दिन का रोजा है। سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة آپ سے عرفة کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا عرفة کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا عرفة کے روزے کے بارے میں عرفة کا روزہ نہیں عرفة کے دن کا روزہ ہے یہ بھی قابل غور بات ہے अरे सीमा फरामते हुए वहां से कूदते हुए इधर आकर बैठने की जरूरत नहीं है, वहां से धीरे धीरे जगह बनाते हुए ये गौर करो कि हदीस में लफ्ज क्या है। अन सौमी यौमी अरफा, पहली बात ये अरफा के दिन का रोजा। तो आपने फरमाया युकफ्फिरु सनतल मासिया वल बाकिया, वो जो है एक साल पहले और एक साल जो है बाद के गुनाह को माफ कर देने वाला वो कफारा है, इतना बड़ा अज्र और सवाब उसका है। एक बात है, दूसरा ये कि अल्लाह वालों एक कॉमन बात है समझने के लिए कि दुनिया इतनी बड़ी है कि नहीं, दुनिया इतनी बड़ी है, एक ही सूरज है, एक ही वक्त में उगता है, एक ही चांद है, एक ही वक्त में निकलता है, सबकी तारीख एक है, हर जगह सुबह एक वक्त में शाम एक वक्त में है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया इतनी बड़ी नहीं है, दुनिया इतनी बड़ी नहीं है, और ना ही पूरी दुनिया में एक साथ सूरज निकलता है, ना ही एक साथ डूबता है, ना ही एक साथ तारीख होती है। खाली सिंपल देखो, समझने के लिए बातें इतनी है, बड़ी लाभ लपेट और पुरजोश अंदाज में मैं नहीं कहना चाहता, सीधी सादी बात समझो जो हदीसों की रोशनी में मैं कहता हूं, क्योंकि तमाम हदीस को बैंक वक्त रखना और जमा करना ये महाल है। आप खाली इतना समझ लो कि जिस दिन सऊदी अरबिया, सऊदी अरब में जिस दिन एक तारीख होती है, हमारे यहां 29 तारीख, 30 तारीख, चंद कहीं भी ऐसा होता है कि मगनकत अरबिया से पहले ही किसी मुल्क में चांद निकल आता है। बहुत सारे ममालिक है, कई ममालिक ऐसे, आप बताइए। सिंपल सी बात है, चलो ठीक है, हम लोग 8 तारीख को अरफा का रोजा रख लेना है, अरफा का रोजा हम लोग 8 तारीख को रख लिया, आज भी बहुत सारे लोगों ने रखा है, और ये समझ करके, और कुछ लोग जो है 2 रखते हैं। मेरे भाई, दो अरफा का रोजा नहीं है, एक ही है। अगर आप अरफा का ही 8 दिन के ऊपर अड़े हुए 8 तारीख को, तो 8 ही को रखिए, मगर एक ही है। हम तो इस बात को समझते हैं कि भाई 9 तारीख को, 9 ज़िलहिज्जा को, 9 ज़िलहिज्जा को अरफा का रोजा, 9 ज़िलहिज्जा को अरफा का रोजा रखना है। तो अगर आप 8 को रखते हैं, तो अरफा के रोजे की नियत करके 8 ही को रखते हैं, अगर 9 को रखते हैं तो 9 तारीख को ही अरफा के रोजे की नियत करके रखते हैं, ये दो नहीं हो सकता। कुछ लोग 2 रखते हैं एहतियात के तौर पर, आपका एहतियात आपके पास रहे, अलबत्ता जो है अरफा का रोजा एक ही। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया हम रख लिया, हमने रोजा रख लिया बराबर 8 तारीख। अच्छा, वो लीबिया वगैरह है और कई ममालिक हैं जहां पर एक दिन पहले चांद निकल जाता है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग भी सऊदी के हिसाब से जिस दिन हुज्जा-ए-इकराम मैदान अरफात में वकूफ करेंगे, उस दिन रोजा रखेंगे, है कि नहीं? तो पता ये चला कि उन लोगों का जो दूसरे ममालिक है वहां 10 तारीख हो जाती है, और 10 तारीख को यौम नहर कहते हैं, कुर्बानी का दिन है, ईद का दिन है। बताओ क्या ईद के दिन भी रोजा है? नहीं है। तो सीधे साधे अल्फाज में जिस तरीके से रमजान के रोजों के लिए, ईद उल फितर के लिए अपने अपने मतलब का एतबार होता है,
अल्लाह वालों, उसी तरीके से हम अरफा का भी रोजा रखेंगे 9 दिन। उसके अलावा एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम पूरे 9 दिन रोजा रखा करते थे। तो मालूम है इसमें बहुत सारे अहबाब पूरे 9 दिन ये रोजा रखते हैं, बहुत खुशी की बात है। 9 दिन रोजा रखना बहुत उम्दा चीज है। मैंने जैसा कि पिछले खुतबे में एक रोजे की फजीलत में लाई थी कि क्या है, इसलिए अगर 9 रोजा रखता है तो बहुत कमाल की बात है और बहुत बड़ी फजीलत है। दूसरा मसला यह है जो अभी गर्दिश कर रहा था वो यह है कि सनीचर को यानी हफ्ते को रोजा रखना। तो एक रिवायत में है जिसमें आपने फरमाया हफ्ते के दिन आप रोजा ना रखो, अगर रोजा रखे हो कुछ नहीं मिल रहा है, दरख्त का छाल जो है मिल रहा है रोजा तोड़ने के लिए या अंगूर मिल जा रहा है तो उसी से रोजा तोड़ दो अगर तुम। ये एक रिवायत है। मगर उस दूसरी रिवायत पे आपने फरमाया खास कोई जुमा के दिन रोजा ना रखे, हाँ अलबत्ता जुमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद, या एक दिन पहले या एक दिन बाद मिला यानी जुमेरात और जुमा को रखे या हफ्ते और जुमा को रखे, जुमा और हफ्ते दो दिन मिला। तो यहाँ पर यह मालूम हुआ कि हफ्ते को इस तरीके से ऐसे खुसूसी रोजे रखने में ये जो मौके के एतबार से रोजा आता है अरफात है आशुरा है और इस तरीके का रोजा, जैसा कि एक और रिवायत में सोमे दाऊदी जिसमें आपने फरमाया एक दिन रोजा रखो सबसे बेहतर रोजा क्या है, एक साहबी ने पूछा हम इतना रख सकते हैं, बहुत दूर तक आ गया यहाँ तक कि आ गया कि भाई हम हर रोज रख सकते हैं। तो आपने कहा देखो हर रोज मत रखो, एक दिन रोजा रखो एक दिन इफ्तार करो, यानी सोमे दाऊदी जो दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। तो इससे भी ये मालूम होता है कि अगर सोमे दाऊदी के एतबार से अगर हफ्ते को आ जाए या जुमा को आ जाए तो जुमा के दिन रोजा रखने में कोई हरज नहीं। अब कोई ये कहे कि भाई आज जुमा है आज हम रोजा रखेंगे बड़ी फजीलत, नहीं ऐसी इजाजत नहीं है, ऐसे लोग रोजों की इजाजत नहीं। खास जुमा के दिन रखे या कहे कि नहीं भाई आज हफ्ता है हफ्ते के दिन हम रखेंगे आम नफली रोजा, तो ऐसा नहीं। कुछ मौके पर जो आ जाते हैं जैसे अय्यामे 20 का रोजा है, महीने में 3 दिन का रोजा है ना, 13, 14, 15 या 12, 13, 14 ये जो चांद की तारीख के एतबार से रोजे हैं अगर इसमें हफ्ते के दिन आ जाए तो रोजा रख सकते हैं, स्वामी दाऊदी हफ्ते के दिन आ जाए रोजा रख सकते हैं, आशुरा हफ्ते का दिन आ जाए रोजा रख सकते हैं, कोई हरज नहीं है। इसीलिए दोनों ही मसलों को अपने पल्लू में बांध लीजिए, मतलब अपने हृदय से चिपका लीजिए अपने दिल से, है? आपके पास पल्लू नहीं है शायद, इसलिए दिल में बैठा लीजिए, आसानी की तरफ जाइए मुश्किलात की तरफ। इन्ना दीन यूसुफ दीन आसान है सहल है भाई, आप काहे मुश्किलात पर आकर गए, क्यों मुश्किलात पर गिरे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इतनी बात आसानी के साथ में समझ जाना चाहिए और ऐसा ही रखना चाहिए जैसा कि हदीस की रोशनी में अभी आपको वासी की गई। तो नहीं अगर अरफे का रोजा आता है या कोई और खास रोजे जो खास मौके पर आते हैं वो ना हफ्ते को रखने में कोई हरज है, ना ही जुमा को रखने में कोई हरज है, ना ही इतवार को रखने में कोई हरज है। इसलिए आपको इस तरह की बात करना है। इसी तरीके से कुर्बानी वक्त भी हो गया, इंशाल्लाह आइंदा जो है यानी ईद वगैरह के खुतबे में मौका मिला अल्लाह ने फायदा यहाँ तक कि तो हम कुर्बानी का मतलब और मकसद चंद लम्हों में समझने की कोशिश करेंगे। कुर्बानी का मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, और हमने पिछले खुतबे में बता दिया कि बंदा फराइज को अदा करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, नवाफिल को कसरत से पढ़ करके अदा करके अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब हासिल कर सकता है। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का फरमाने के रामे मन का न है, जिस आदमी के यहाँ वसअत हो जिस आदमी के यहाँ ताकत हो कुर्बानी करने की वो आदमी कुर्बानी करे, अगर नहीं करता है तो वला यहज़ुर मुसल्लाना वो मेरी ईदगाह के करीब ना है। मालूम ये होता है कि साहिब इस्तेदाद को कुर्बानी करना चाहिए, बल्कि बाज़ लोगों ने तो वाजिब लिखा है,
बास ऐमाने तो ऐसे लिख दिए कि भाई अगर वो साहब इस्तेदाद है मगर इस वक्त उसके पास नहीं है तो कर्ज भी लेकर के कुर्बानी दे और वो ये ताकत रखता है कि कुछ दिनों में कर्ज लौटा दे तो कोई हरज की बात नहीं, उसे कुर्बानी करना चाहिए। तो यहाँ ये कह करके कुर्बानी की फजीलत को वाज़े किया गया कि कुर्बानी हमारे लिए किस कदर जो है अल्लाह तबारक व तआला के तकर्रुब का एक बड़ा जरिया है। कुर्बानी सिर्फ हमारे में नहीं है, आज जो बदबख्त लोग जो कुर्बानी के ऊपर हंगामा मचा रहे हैं ये नहीं काटना चाहिए वो नहीं काटना चाहिए, अरे मानी कोई ले वो मदीन जालना मन सका, हमने हर उम्मत में कुर्बानी के तरीके को राज किया और यहाँ तक कि लोगों ने गुलू और इफराद से इस कदर काम लिया या गैर मुस्लिमों में से बहुत सारी अकवाम किया ऐसा था कि सिर्फ जीव जंतुओं का तो नहीं जानवरों का चौपाइयों का नहीं बल्कि इंसानों की भी बलि दी जाती थी। इसी हिंदुस्तान की तारीख में वो बात भी होते रोशन की तरह आया है कि जहां पर कुआई तो शिजाओं को कुर्बान किया जाता था और देवी देवताओं के चरणों में उनको रख के टांगा जाता था, उनके खून से पेशानियों को आलूदा किया जाता था। आज उन्हीं की औलाद तुम्हें कुर्बानी के बारे में पट्टे पढ़ाते हैं कि जानवरों की कुर्बानी, अरे बदबख्तों की जमात जानवर तो ये चौपाए तो तुम्हारे खाने के लिए बनाए, अलग बात है कि तुझे अकल नहीं तुझे समझ नहीं तू खुद जानवर हो चुका है तुझे क्या समझ है कौन सी चीज खाना है कौन सी नहीं खाना, तू शराब का आदी है शराब पीना जानती है, अरे अल्लाह ने जिन माकूल हम चीजों को जानवरों को जो हलाल किया तुम्हारे लिए वो खाओ पियो, अल्लाह ने जो चौपाई इसलिए पैदा किया था कि तुम खा पी के मौका तवाना हो जाए और रब ताला की इबादत अच्छी तरीके से करे। भले कुल उम्मत जानला मन सकल लिए तो सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रोजा का हुक्म एक के पहली मतलब ना ताकि अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ जो है उसको जिबा किया जाता उसको काटा जाता कुर्बान किया जाता और साथ साथ का महिला को मिला हुआ है। याद रखो ये कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ उसी एक अल्लाह के लिए, उसी एक अल्लाह के लिए दूसरों के लिए। तो ये जो लोग हैं इनका काम है चिल्लाना शोर मचाना मुसलमानों के ऊपर गैर जरूरी पाबंदियां आयद करना, लेकिन याद रखो मुसलमानों की जमात आपको अल्लाह की इबादत अपनी अकल हिरत समझ फहम फरासत जो कुरान और सुन्नत ने दिया है उस हिसाब से हमें कुर्बानी करना है, कुर्बानी में ना इफराद करना है ना तफरीद करना है, कुर्बानी में मेरी क्रियाकारी से फजूल वाहियात से बचना है, इसी तरीके से उन चीजों से बचना है कि कुर्बानी करके जो अपने जानवरों का फोटो वोटो इधर से देखो फोटो भेजकर गोश्त का फोटो जानवरों का फोटो भेजकर आपके अजर में इजाफा नहीं होगा है कि नहीं इजाफा नहीं, हाँ ये इजाफा होगा कि उससे फसाद जरूर होगा, आप मारे भी जा सकते हैं क्योंकि दुश्मन तुम्हारे ताकुब में है। जो उन जानवरों के पूजा करने वाले पत्थरों के पूजा करने वो तुम्हारे ताकुब में है कि तुम एक इलाह को मानते हो इसीलिए शान हो इसीलिए तुम एक बाकी अलग जानवर खाते हो, तो उनको ये चीज रास नहीं आती और उनके मजहब के एतबार से कुछ इस तरीके के पाबंदियां है मैं उधर जाना नहीं चाहता, मगर ज्यादातर वैसी कोई पाबंदी नहीं है, उन्होंने बनी बनाई पाबंदियां है। अल्लाह जल्ल शानहु सुभान व तआला से दुआ करेंगे कि मौलाए करीम तेरे कुर्ब के जितने ज़राए हैं परवरदिगार हमें उन्हें अपनाने की तौफीक अता फरमा, रिया नमो फख्र मबाहा दिखावा तकब्बुर गुरूर खबन इन तमाम चीज़ों से हमारे जिस्मानी मिट्टी के पुतले को परवरदिगार को पाक कर दे, हमारे दिलों को साफ और शफाफ कर दे और जिस मकसद के तहत कुर्बानी की जाती है उस मकसद के तहत हमें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।